विवेक ब्रह्म ने लिख के दिया कि विधायक भ्रष्ट है, विधायक अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर रहे, और जिस ढंग से एक पार्टी के विशेष एमएलए को टारगेट करके उन्होंने लिखा और सो मोटो माननीय लोकायुक्त ने उसको टर्न डाउन करना चाहिए था। मैंने सारा इसमें बताया, ऑफिस ने उनके लिए गलती की है, फर्स्ट स्टेज पर उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। वो तीन कारण है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका मैंने इसमें जिक्र भी किया। पहला ये कि कंप्लेन जो है कंप्लेनेंट द्वारा ड्यूली साइन नहीं है, एफिडेविट साइन है लेकिन कंप्लेन साइन नहीं है, जिससे सीरियस मैटर इसकी कंप्लेन की फोटोकॉपी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लेन को साइन ना होना और फिर भी उसको एज ए कंप्लेन मान लेना, ये कहने की बात में गलती हुई है ऑफिस के द्वारा, इस पर मेरा हाईली ऑब्जेक्शन भी चाहिए ऑलरेडी रिटर्न में था। सेकेंडली, एक ही पार्टी के विधायकों को लेना, आम आदमी पार्टी के विधायक लेकर ज्वाइन करना, उस पर भी बहुत बड़ी गलती हुई है ऑफिस द्वारा लोकायुक्त के, इसलिए हुई है कि चार विधायकों को किस आधार पर कंप्लेनेंट में छोड़ा ये पूछा जाना चाहिए, उसमें नाम एड करवाए जाने चाहिए, या तो कंप्लेंट ये कहता कि इन चारों विधायकों ने अपने एफेक्ट का ब्यौरा दिया इसलिए छोड़ा, या इसलिए छोड़ा है कि बीजेपी के वो विधायक हैं हम उनको छोड़ रहे हैं। ये तो चीज है, ये बड़ी कानून की दृष्टि से कानून सबके लिए बराबर है, वो किसी भी पार्टी के हो। तीसरा जो उन्होंने इसमें सारा ब्यौरा दिया है लॉ का, उसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लोकायुक्त का लॉ जो है इसमें अग्रम दी जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑनरेबल लोकायुक्त एक्ट पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 and 3 ऑफ द दिल्ली लोकायुक्त एक्ट 1996, ये क्लियरली उसमें मेंशन है। लोकायुक्त का जो एक्ट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का लोकायुक्त के यहां कंप्लेन या मुकदमा नहीं चल सकता, और उस लिस्ट में कंप्लेनेंट द्वारा मेरा स्वयं का नाम डिप्टी स्पीकर का नाम डाला हुआ है। अब ये इतनी जल्दी चाप ही मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने इस कानून को देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, लोकायुक्त ने अपने कानून को नहीं समझा, और उस लिस्ट में कंप्लेनेंट की उस लिस्ट में वो दोनों नाम भी एक्सेप्ट करके